हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम इसी एक ही वीडियो के अंदर पूरी चार कंपनी की पायलट्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पायलट आपको कौन कौन सी कंपनी की देखने को मिलती है, तो फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है बिग डिपर कंपनी की, फिर आती है हिग्लो, फिर आती है जिया और सोवा। ये चार पायलट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे हम इन सभी पायलट्स की प्राइस, फुल डिटेल और कैसी कंडीशन है, कितनी पुरानी भी है, और दोस्तों हम टेस्टिंग भी करेंगे और साथ में सभी लाइट को एक साथ में चला करके कंपैरिजन भी करेंगे कि आपको सभी लाइट की सेम डिटेल होने के बावजूद आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है या कितना ज़्यादा ब्राइट कलर कौन सी पायलट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये सभी कुछ डिटेल जानेंगे आज हम इसी एक ही वीडियो के अंदर सभी लाइट के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास इस वीडियो के अंदर है ये चार पायलट्स, सभी क्या है अलग अलग कंपनी की है सेम फीचर के साथ में। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इन सभी पायलट्स के बारे में जानेंगे नॉर्मल डिटेल और प्राइस भी जानेंगे साथ में कि आपको सभी पायलट्स कहाँ तक मिल जाएगी, और साथ में क्या करने वाले हैं कि सभी पायलट्स के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको सेम फीचर होने के बावजूद इसके अंदर आपको ज़्यादा ब्राइट कलर देखने को मिलता है, ये सभी कुछ जानेंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कंपनी की पायलट दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट के अंदर जो पायलट है ये आपको बिग डिपर कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है, और यहाँ पर देख सकते हो आप इसके अंदर एक फ़ैन दिया गया है, और यहाँ पे आप DMX के लिए आपको एक लार मेल एंड फीमेल के इनपुट दिए गए हैं, और यहाँ पे एक LED डिस्प्ले दिया गया है, और यहाँ पे अप डाउन और इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन दिया गया है, एक यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, और इसके अंदर सभी फीचर दिए गए हैं दोस्तों जो आपको एक मिड रेंज लाइट के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटो मोड, साउंड मोड और कलर्स सब कुछ। तो ये हो गया इस लाइट का फीचर। फिर दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों हिग्लो कंपनी की तरफ से, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेम वही इसी का लाइट की तरह ही फैन दिया गया है, और XLR मेल फीमेल इनपुट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे वही अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज और ये बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, सेम वही फीचर है जैसे कि साउंड, ऑटो और अदर कलर्स के, और ये BIS अप्रूव्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों फिर आता है तीसरे नंबर पर जो लाइट आता है, वो आता है सोवा कंपनी की तरफ से, जो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको BIS नंबर भी दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको XLR मेल फीमेल के इनपुट सेक्शन दिया गया है, फिर यहाँ पे इसके अंदर आपको फैन दिया गया है, सेम उस सभी लाइट की तरह आपको डिस्प्ले दिया गया है अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज, और ये है इसका। और फिर आता है दोस्तों लास्ट के अंदर जिया कंपनी की तरफ से पायलट, इसके अंदर भी आपको BIS नंबर दिया गया है, फैन दिया गया है, और जिससे कि आपको बटन दिए गए अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज, और LED डिस्प्ले दिया गया है जिसके आप इसके अंदर कलर सेट कर सकते हो, XLR मेल फीमेल के इनपुट दिए गए हैं DMX के लिए। दोस्तों आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको वर्किंग वोल्टेज भी दिया गया है 240 वोल्टेज, इसी टाइप से आपको सभी के अंदर दिया गया है, यहां पे देख सकते हो 240। दोस्तों यहां पे ये जो सभी जो चार लाइटें हैं इन सभी के अंदर आपको 240 वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज दिया गया है, और ये तो हो गया इन सभी का बैक व्यू, और सेम फीचर लगभग मैं आपको इन सभी का फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ यहीं पे। दोस्तों आप यहाँ पे इन सभी पायलट्स का यहाँ पे फ्रंट का व्यू देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये थी बिग डिपर की, ये हिग्लो की दोस्तों, ये थी सोवा की, और वो लास्ट वाली थी जिया की। तो यहाँ पर आपको सभी के अंदर दोस्तों क्या है कि 60 LED बल्ब दिया गया है सभी के अंदर, और सभी लाइट्स का आपको पर बल्ब 3 वाट का दिया गया है, और RGB के अंदर दिया गया है दोस्तों, और इस टाइप से आपको सभी लाइट्स के अंदर सेम ही फीचर दिए गए हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन लाइट्स का फ्रंट का व्यू, और सभी के अंदर आपको सिंगल ओनली पावर केबल दिया गया है, और इस टाइप से ये आपको लाइटें देखने को मिलती है। अब मैं अगर आपको प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये जो बिग डिपर की लाइट है दोस्तों, ये इसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 1800 से 1900 के आसपास मिल सकती है, 100-200 फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो हिग्लो कंपनी की पायलट है इसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 1500 से 1600 के आसपास देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों ये जो पायलट है सोवा की, इसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 1800 के आसपास मान सकते हो दोस्तों, कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत एक अंदाजे के हिसाब से।
फिर जिया की जो पालेट है ये आपको अप्रोक्स दोस्तों 2000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। आपको इन सभी के पालेट्स की प्राइस के बारे में पता चल गया होगा और नॉर्मल फीचर के बारे में पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करके आपको इन सभी के कलर्स के बारे में दिखाते हैं, पहले एक एक करके फिर सभी का कंपेरिजन करके। तो हम करते हैं इनका टेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी लाइट्स को यहाँ पे एक जगह पे जमा लिया है और यहाँ पे इनकी वायर भी लगा दी है, ताकि मैं आपको पहले एक एक करके सबकी टेस्टिंग दिखा दूँ, फिर साथ में आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, तो आप डिफरेंस पता कर सको कि कौन सी कंपनी का आपको कौन सा ज़्यादा ब्राइट कलर दिख रहा है। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग इधर वाली से, जो जिया कंपनी की तरफ से आती है। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जिया कंपनी की है। तो इसका मैं आप यहाँ पे वायर प्लग करता हूँ और आप इसकी टेस्टिंग देखिए। इसकी आपको फैन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों। आप इसका कलर्स देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्राइट है, और यहाँ से आप पता कर सकते हो दोस्तों इस टाइप से। दोस्तों ये जिया कंपनी की है और इसका आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कितना आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है या कितना कुछ कम ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो चुकी है टेस्टिंग जिया कंपनी की। अब हम करते हैं दूसरी कंपनी की पालेट की टेस्टिंग। अब हम करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है सोवा कंपनी की, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हम करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग। और दोस्तों यहाँ पे ये लाइट भी ऑन हो चुकी है और इसकी फैन की आवाज़ आपको थोड़ा बहुत कम सुनाई दे रही होगी, और इसके कलर आप यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप के आपको इसके कलर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हो चुकी है सोवा कंपनी की। अब हम दूसरी कंपनी की लाइट की टेस्टिंग देखते हैं। फिर दोस्तों अब आती है तीसरे नंबर पे हिग्लो कंपनी की, तो हम इसकी करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाली पालाइट की आपको फैन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कलर्स वगैरह। इसको थोड़ा बहुत स्लो मोशन में कर देता हूँ ताकि आपको इसके कलर की स्पीड उसके उन जो पहले देखी उनकी साथ में दिखाई दे। दोस्तों आप इस पालाइट के कलर्स यहाँ पे देख सकते हो, ये है हिग्लो कंपनी की। इसकी फैन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये हो चुकी है हिग्लो कंपनी की। अब हम करते हैं टेस्टिंग बिग डिपर कंपनी की पालाइट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है बिग डिपर कंपनी की दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसके वायर प्लग करते हैं और आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों यह है बिग डिपर कंपनी की पालाइट और इसके कलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी फैन की आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी। इसके कलर आपको थोड़ा बहुत पिछली लाइटों के ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा होगा बिग डिपर की, ये इस लाइट की, और इससे थोड़ा बहुत कम मेरे को हिग्लो का लगा, और उन दोनों का थोड़ा बहुत सेम ही लगा जिया और सोवा का। आप खुद भी डिफरेंस पता कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से एवरेज से बता रहा हूँ ऑन एवरेज से। अब हम क्या करते हैं इस बिग डिपर को चालू रहने देते हैं और सभी के वायर प्लग करते हैं एक साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी पार लाइट को एक साथ चला दिया है, तो आप सभी के कलर यहाँ से पता कर सकते हो दोस्तों। मैं एक बार यहाँ पास से दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ये जिया कंपनी की पार लाइट्स के कलर, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ से पता करो तो। यहाँ पे हिलने डुलने पे आपको पता चल गया होगा
ये है जिया कंपनी की। फिर आती है सोवा, और इसके कलर आप यहाँ पे इन सभी के बीच में पता लगा सकते हो। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत हिले चलेगी यहाँ पे। फिर आती है दोस्तों हिग्लो कंपनी की, इसके कलर यहाँ पे सामने देख सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता हूँ मैं इसके माध्यम से आपको पता चल सके। यह है हिग्लो कंपनी की। फिर आती है दोस्तों बिग डिपर की, तो इसके कलर आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी पायलट की कलर्स की यहाँ पे देख सकते हो। एक बार फिर से बता दूँ, वो है दोस्तों जिया कंपनी की, फिर है सोवा कंपनी की, फिर है हिग्लो, और ये बिग डिपर की। सभी पायलट्स के कलर आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हो। और दोस्तों आप अपने हिसाब से भी पता लगा सकते हो कि कौन सी पायलट का आपको कलर ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। और फीचर्स की मैं आपको बता दूँ, सभी के अंदर आपको सेम फीचर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप टेस्टिंग देख सकते हो दोस्तों। अब मैं इन सभी पायलट्स को बंद कर देता हूँ एक बार, फिर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सभी पायलट की एक एक करके टेस्टिंग भी दिखा दी है, और सभी की साथ में भी दिखा दी है। तो आप अपने हिसाब से एक एवरेज लगा सकते हो कि कौन सी पायलट का वो कलर ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। फीचर्स लगभग सभी के अंदर सेम है दोस्तों, और मैंने आपको प्राइस भी बता दी है। और मैं दोस्तों आपको सभी को बता दूं कि ये सभी पायलट के आपको जो ये इनका फ्लेयर या इनकी जो बॉडी मान सकते हो सभी की, यानी कि प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। और ये जो सोवा कंपनी की आती है, इसके अंदर आपको ये मेटल की बॉडी देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत मेटल एंड प्लास्टिक के अंदर मिक्स में। और ये जो है जिया की, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, इसकी ये पूरी बॉडी थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक के अंदर मान सकते हो। और इसकी थोड़ा बहुत मेरे को मेटल और प्लास्टिक का मिक्सअप लग रहा है। और ये जो है हिग्लो की, और ये बिग डिपर की, इन सभी की दोनों की तो आपको प्लास्टिक के अंदर ही देखने को मिलती है इनका ये पूरा बॉडी। और इन सभी के अंदर आपको फैन देखने को मिलता है। वर्किंग वोल्टेज कंपनियों ने 240 के आसपास रिकमेंड किया है, और सभी का आप अपने हिसाब से पता लगा सकते हो और बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको सभी पायलट्स के बारे में पता चल गया होगा, टेस्टिंग भी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।